गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस। तो बेटे लास्ट टाइम वी डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स। टुडे वी विल डू द असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक। दिस असाइनमेंट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू यू। प्लीज पुल आउट द असाइनमेंट्स। आर यू विद द असाइनमेंट? या वेरी नाइस। सो बेटे बिफोर गोइंग लेट मी गिव यू द मोस्ट बेसिक थिंग वंस अगेन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। It can be known by other names: weight, thrust, tension, push, pull, other names. It can set the rested body into motion. एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा भी कर सकता है, मोशन वाली बॉडी को रोक भी सकता है फोर्स। ओके, फोर्स कैन बी मैग्नेटिक, इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसमें होता है? चार्जेस में होता है। इट कैन बी मस्कुलर। इट कैन बी ग्रेविटेशनल। इट कैन बी फ्रिक्शनल। चुंबक के बीच में जो फोर्स होता है ये आप सभी को पता है। अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ हो साउथ हो, दूसरे का नॉर्थ हो साउथ हो, तो नजदीक वाले पोल्स डिससिमिलर है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। राइट बेटे? सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट इच अदर। एंड इफ देयर आर सिमिलर चार्जेस दे रिपेल इच अदर। सिमिलरली इन द मैग्नेट इफ सिमिलर पोल्स आर क्लोजर, सिमिलर पोल्स आर क्लोजर, लुक नॉर्थ एंड नॉर्थ आर सिमिलर, दे रिपेल इच अदर। इन केस ऑफ मस्कुलर फोर्स, सपोज दिस पर्सन इज पुटिंग द इज पिकिंग अप द बकेट फुल ऑफ वाटर, राइट, इज पुलिंग द बकेट और डस्टबिन वट एवर यू से, सो ही हैज टू अप्लाई मस्कुलर फोर्स। The gravitational force, if there is M1 mass, there is M2 mass, they attract each other. That is called gravitational force. Here I would like to tell, gravitational force are only of attractive nature. They are never repulsive, only attractive. Whereas electrostatic force can be attractive, can be repulsive. Magnetic force can be attracted, can be repulsive. And frictional force is a contact force. How can you say contact force? Look, there is a big box lying on the ground and this particular person is pushing it. If he is pushing it, this particular box is sliding against the floor. Okay? There is a frictional force between the box and the floor. Suppose the box is not touching the floor at any moment, means there is no contact. In that case, there will be no frictional force. So frictional force can exist
ओनली व्हेन देर इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. हैंड शुड टच एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर. इफ दे आर अवे मूविंग दिस वे देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स. ओके बेटे, दिस वॉज द मेन समरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट. प्लीज ओपन. शाबाश. और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहले मैं आपको एक डेमो भी बता दूं. देखो बेटे, ये मेरे पास हाथ में कॉम्ब है. प्लीज लुक एट मी, प्लीज लुक एट मी. दिस इज द कॉम्ब. ये कंघा आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, राइट? मैं अभी नहा के आया हूं तो मेरे अभी बाल गीले हैं, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकता. अगर ये बाल बिल्कुल सूखे हों आपके और आप इस प्लास्टिक के कॉम्ब को इस पर रब करो तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है बेटे. अब चार्ज के बाद, उसके बाद अगर आप इस पेपर पे छोटे छोटे पेपर विट्स रख दो, छोटे छोटे कैंची से काट के, और इस कॉम्ब को पास लेकर आओ तो पेपर विट्स ऊपर उठ जाएंगे. ये होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अच्छा बेटे, अब मेरे पास अजर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, या अजर्शन ट्रू है रीजन गलत है, या अजर्शन ट्रू है रीजन भी ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अजर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है. लेट्स लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. शाबाश. इन द फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट इज दिस? इन ए टग, इन टग ऑफ वार बोथ टीम्स पुल द फोर्स विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, द रोप रिमेन स्टेशनरी. ऐसे होते हैं वार ऑफ टग, देखा है आपने, खेला कभी? वार ऑफ टग आपने खेला कभी? मान लो इस तरफ बॉयज हैं और इस तरफ हमारे गर्ल्स हैं, ये बॉयज है हमारे और बीच में रोप है बेटे, ये इधर को खींच रहे हैं रस्सी को, ये इधर को खींच रहे हैं. फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड. मान लो ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 इक्वल है, इक्वल, ठीक है, और साथ में अपोजिट भी है, तो यहां पर हम माइनस निकाल लगाते हैं, माइनस. अब वो क्वेश्चन कह रहा है इन ए वार ऑफ टग बोथ द टीम्स पुल द फोर्स विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, द रोप विल रिमेन स्टेशनरी. कह रहा है इस रस्सी को अगर ये दोनों टीम्स बराबर बराबर का जोर लगाएंगे तो ये रस्सी ना इधर को मूव करेगी ना इधर को मूव करेगी, रेस्ट पर रहेगी. बोलो सही है या गलत है? जो बच्चे कह रहे हैं सही है, रेज योर हैंड्स. शाबाश शाबाश, क्योंकि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों फोर्सेस. अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं इक्वल एंड फोर्सेस कैंसिल कर देते हैं. नो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल करते तो हैं अगर वो एक ही बॉडी पर लगे, एक ही बॉडी पर. अगर ऐसे हो, मैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं एक्शन, और बॉक्स मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा है रिएक्शन, तब ये कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि एक्शन बॉक्स के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है. तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, लेकिन वो अलग अलग बॉडीज पर लगने की वजह से कैंसिल नहीं करते. पर यहां पर एक ही रस्सी पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, वो कैंसिल करेंगे. तो अजर्शन इज ट्रू. आगे देखते हैं. द अनइक्वल फोर्सेस मे नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. बोलो, अगर ये फोर्सेस अनइक्वल हो तो क्या वो
चेंज लाएंगे उसकी पोजीशन में रेस्ट से या नहीं लाएंगे, बताओ बेटे। अगर लड़कों ने ये फोर्स मान लो 100 न्यूटन लगाया और गर्ल्स ने लगाया मान लो सपोज करो 105 न्यूटन, क्योंकि 3 गर्ल्स है, तो क्या ये रस्सी हिलेगी? बोलो नहीं, बेटे, हिलेगी। यस। तो अगर अनइक्वल फोर्सेस लगाएंगे, वो यहां पर अनइक्वल आ जाए, तो रोप विल मूव। ओके, अगर अनइक्वल होएगा तो, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होएंगी, इक्वल इक्वल रहेंगी अपोजिट होएंगी, तो इस केस में रोप एट रेस्ट रहेगा। सो इस केस में बेटे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? शाबाश, कैन यू टेल मी? यश, यशवी, हु इज यशवी? यशवी कौन है बेटे? नहीं, अच्छा, हु इज पूर्वा? पूर्वा, कम कम फॉरवर्ड बेटे। टेल मी आउट ऑफ अजर्शन एंड रीजन विच इज करेक्ट विच इज रॉन्ग। पूर्वा, फॉरवर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग। महक, हु इज महक? महक, महक बेटे प्लीज कम टू द माइक। बेटे अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट अजर्शन करा और रीजन भी करा, बताओ अजर्शन सही है या नहीं? बोलो बेटे, अजर्शन ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू, अजर्शन ट्रू, और रीजन फॉल्स और ट्रू? द अनइक्वल फोर्सेस मे नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। मे नॉट का मतलब होता है शायद, वो तो पक्का लाएंगी ना बेटे। अनइक्वल फोर्सेस होंगी तो रस्सी बिल्कुल मूव करेगी ना। के बैठो बेटे, शाबाश, अजर्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अजर्शन लिफ्टिंग ऑफ स्कूल बैग बाय ए स्टूडेंट इन्वॉल्व्स विच काइंड ऑफ द फोर्स? इन्वॉल्व्स ए फोर्स, नेचुरली बच्चा बता सकता है कौन सा फोर्स? मैंने बैकपैक उठाया गोइंग टू स्कूल, कौन सा मसल, कौन सा फोर्स इसमें इन्वॉल्व हुआ? शाबाश, कैन एनीबॉडी टेल? आर्यन नेगी, आर्यन नेगी, कैन यू टेल बेटे? शाबाश, ये गुड़िया फर्स्ट बेंच पे बैठी, रेजिंग हैंड, प्लीज यू टेल मी बेटे। हाँ, मस्कुलर फोर्स, शाबाश, इसको भी बताने दो। हाँ बच्चे बताओ बताओ बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ, विच फोर्स इज इन्वॉल्व्ड? फोर्स, क्योंकि हमारा शोल्डर और आर्म, देखो उसने सपोर्ट कर रखा है बैक बैक को, तो बैक पैक को जब भी कोई बच्चा ऐसे उठाएगा, ठीक है, बैक पैक को जब भी कोई बच्चा इस तरह से उठाएगा तो मस्कुलर फोर्स, तो फोर्स तो है ही है। अजर्शन इज ट्रू, रीजन लिफ्टिंग ए स्कूल बैग इज ड्यू टू नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। रॉन्ग, रॉन्ग। अच्छा देखो, ये देखो, बैग और हैंड दोनों टच में है या नहीं है? यस, तो ये है ना कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टेक्ट मीन्स टच। सो मस्कुलर फोर्स, फोर्स तो है, अजर्शन ट्रू, रीजन वो कह रहा है नॉन कॉन्टेक्ट, वो कह रहा है जी इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट, तो ये गलत, नॉन कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्ट है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, शाबाश, मैग्नेट ए ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अदर मैग्नेट व्हेन देयर इज ए मैग्नेट ब्रॉट नियर टू इट। फिर से सुनो, अ मैग्नेट ए ऑन द रोलर
begins to move towards the other magnet when there is a near brought near to it. Second, the magnet B has north pole towards south pole of the other magnet and vice versa. शाबाश. कौन बच्चा बताएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटे अग्रिमा. अग्रिमा कैन यू टेल बेटे? अच्छा मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन समझाता हूँ, शायद उनको क्वेश्चन नहीं समझ आया. देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में ऐसे हैं, यहां पर हमारा मैग्नेट पड़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल. नॉर्थ पोल साउथ पोल और उसके नीचे बेटे हमारे पास रोलर्स हैं ये ऐसे रोलर्स. अब उसके बाद क्या है, इस मैग्नेट के पास मैं एक दूसरा मैग्नेट लेकर आया हूं जो कि इस तरह से आपको दिखा रखा है. ये देखो दिस इज साउथ और नॉर्थ और ये बताया गया कि ये उधर को भाग गया क्वेश्चन के अंदर. क्यों? नॉर्थ एंड साउथ व्हाट आर दे? डिसिमिलर पोल्स. डिसिमिलर पोल्स. अभी अभी टीचर ने क्या बताया था, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट ईच अदर. करेक्ट. सो शाबाश. कौन बच्चा बताएगा अजर्शन सही है या नहीं सही? हाँ बोलो बेटे. अजर्शन इज करेक्ट. अजर्शन करेक्ट. रीजन बेटे रीजन. नहीं बेटे रीजन भी करेक्ट है ना. देखो क्या कह रहा है, द मैग्नेट बी हैज इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ ए. डिसिमिलर पोल नजदीक होना चाहिए ना टुवर्ड्स. ध्यान से पढ़ो ठीक है, या तो नॉर्थ साउथ इसका होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, इसका हो यहां पर साउथ और इसका हो नॉर्थ तो भी अट्रैक्शन होगी. तो रीजन भी करेक्ट है. आया समझ बेटे? क्लियर है? बैठो. क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में व्हेन ए क्वाइन इज हेल्ड इन द हैंड इज एड्रेस्ड एज सुन एज इट रिलीजेज इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स इट इज क्लियर द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ क्वाइन अंडर गोज अ चेंज. रीजन इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन इन द क्वाइन. देखो बेटे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही सेइंग शाबाश योर अटेंशन. यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जमीन जमीन पे और उसके हाथ में यहां पर बेटे एक कॉइन है. दिस इज योर कॉइन. गॉट इट? अब वो कह रहा है जैसे इस कॉइन को रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड, तो ये कॉइन नीचे गिरेगा. यहां पर कॉइन क्या है, कॉइन एट रेस्ट है. गॉट इट? आपने कभी नोट करा होगा जैसे ये कॉइन नीचे गिरेगा बेटे, ऐसे गिरते गिरते गेटिंग फास्ट नीचे नीचे गिरेगा तो ये मोशन में तो आ गया और मोशन में भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ फॉल, स्पीड ऑफ फॉल इंक्रीजेस. पक्की बात है, ट्रू हो गया. ऐसे अगर मैं इस पेन को छोड़ दू, जैसे ये इस पेन को छोड़ू, ये गिरते गिरते तेज होएगा बेटे. फिर से देखो, इस पेन को छोड़ दू, एक गिरते गिरते तेज होएगा. ठीक है, ऐसे क्वाइन तेज होएगा. तो क्यों होएगा? क्योंकि ये क्वाइन और अर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज मास वन, दिस इज योर मास टू एंड दे बोथ attract each other.
ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव। अब कौन सा बच्चा मेरे को बताएगा क्या है अट्रैक्शन और रीजन फोर्थ क्वेश्चन के, कौन सा सही है कौन सा गलत है? एनीबॉडी? सर टू आंसर है बहुत आर करेक्ट, शाबाश, सिट डाउन, क्लैपिंग फॉर द स्टूडेंट। बेटे आपके बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, कांट यू क्लैप फॉर योर क्लासमेट वंस अगेन? शाबाश। सो इन दिस क्वेश्चन अजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट्स। देखो बेटे आपको पता है कि ये वाला क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, इस पे कौन सा चार्ज होता है, चार्ज कौन सा होता है बेटे इस पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। और ये किसका सिंबल है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है बेटे, पॉजिटिव। ऐसा देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास रखते हैं तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्शन शोज अट्रैक्शन, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल करते थे मैग्नेटिक फोर्सेस। लेकिन अगर दोनों ही मैं प्रोटॉन रख दूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है, ठीक है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन रख दूं, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आपकी क्लास में, क्लास के अंदर एक बच्चा मेल है एक बच्चा फीमेल है, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती बनती है, डिसिमिलर। लेकिन एक बच उसी मेल बच्चे की दूसरे मेल बच्चे से लड़ाई होती रहती है, सिमिलर पोल्स रिपेल ही चाहिए, और उसी फीमेल बच्चे की दूसरे फीमेल बच्चे से बनती नहीं है कोई खास। ओके इज दैट क्लियर? सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, फिफ्थ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ट्रू और फॉल्स? शाबाश। हु विल टेल, अमन, सर हु इज अमन? हाँ शाबाश बेटे, बोलो बोलो बोलो। फॉल्स क्यों बेटे, फॉल्स क्यों? अभी तो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड ही इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज, चार्ज लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या है, चार्ज ही तो है, चार्ज पार्टिकल्स, तो फॉल्स कैसे कह दिया आपने बेटे? फॉल्स सर ऐसा है एंड रीजन फॉल्स टू है ना दोनों टू है हाँ अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, सो अजर्शन इज ट्रू। रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रीजन फॉल्स है बेटे, ये फॉल्स है। क्यों बेटे? अगर यही दोनों चार्जेस बड़े दूर दूर हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो रिपल्शन ज्यादा होएगा, मोर मोर रिपल्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर रख दूंगा मैं और उनके बीच में गैप कर दूंगा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी रिपेल होएगा, ये भी रिपेल होएगा, इस बार रिपल्शन फोर्स लेस होएगा। तो जो गैप है, गैप अगर ये गैप बढ़ जाएगा, इफ गैप इंक्रीजेस, इफ गैप इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस। सो इसका मतलब है उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, नो दैट इफेक्ट्स,
ओके सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, दैट वॉज योर फर्स्ट. अब हमने अगले क्वेश्चन पे मूव करना है बेटे. शाबाश. क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो इस पैराग्राफ को पढ़ सके? किसी का अच्छा इंग्लिश है? आ जाओ आ जाओ फ्रंट पे आ जाओ. गर्ल्स गर्ल्स, जिसका हाथ खड़ा फर्स्ट रो, आ जाओ बेटे. शाबाश. रीड द पैराग्राफ ऑन द माइक. Once upon a time, in a small town named Mohan Village, there were two best friends, Simran and Lily. They loved exploring the world around them and were fascinated by the concept of horses. One sunny afternoon, Lily combed her dry hair and observed that the comb, when placed on table, attracted the bits of paper placed by Simran while clearing her study table. Excitedly, Simran and Lily began reading and learning about these forces. They discovered that contact forces are the interactions between objects that are touching each other. They realized that these forces were all around them, influencing their everyday lives. There are many non-contact forces also which act on objects without the objects. Gathered five objects, a book, a ball, a pencil, a magnet, and a metallic pen. Each of them represent a different force. Now it's time for you, grade 8 students, to test your knowledge about these forces. Shabash bete. Thank you. And I would appreciate the communication, the... Your vocabulary was very sound. You are very fluent, bache. You should be a very good, contestant in debates. Must catch your this character of yours. जो भी बच्चा बोल के गया अभी, आपको इस हुनर को develop करना चाहिए. स्टेज पे contests होते हैं, debates होते हैं, declamation contest होते हैं, उसमें participate करो. आप में leadership qualities आदि तो already आ चुकी है. शाबाश. तो बेटे मैं इसमें दिखाता हूँ आप में. एक लड़का है सिमरन, एक जो भी है लड़की भी हो सकती है, और दूसरा है लिली. दो बच्चे हैं और इसमें से एक बच्चे के यहाँ पर जो कॉम्ब है, बाल हैं, बिल्कुल बाल, बिल्कुल सूखे बाल होने चाहिए, ड्राई. और उसके पास प्लास्टिक का कॉम्ब है, ठीक है. कॉम्ब मीन्स कंघी. अब वो इसको कंघी को बालों में ऐसे 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 रब करेगा, लाइक दिस. इफ आई हैव दिस कॉम्ब, ये आज देखो मैं नहाया हूं, मेरे बाल गीले हैं, वरना मैंने इस आर्टिकल को प्रैक्टिकली करके दिखाया होता आपको. तो यहां पर ये कार्डबोर्ड है, ठीक है. और कार्डबोर्ड के ऊपर ये छोटे छोटे व्हाइट कलर में क्या है, पेपर बिट्स. पेपर बिट्स, ये जो कॉम होता है ना बेटे, इस पेपर बिट्स को पास लाने पर ऊंचा उठा लेता है, अपने साथ चिपका लेता है, अपने साथ चिपका लेता है. तो ये कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक. एक बच्चा कहता मेरे को, देखो सर ये जो चीज आपने बताई है ना, ये मैंने किताब में भी पढ़ी थी और मेरे को ये मैकेनिज्म तो समझ आ गया, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आया ये कॉम इस पेपर्स को उठा क्यों लेता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उठा लेता है, पर वो तो चार्जेस के बीच में होते हैं, यहां पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, आपने बात ही नहीं करी चार्जेस की, तो ये उठा कैसे लेता है. उसकी डिटेल समझा रहा हूं मैं साइड पे, ध्यान से सुन लेना, ये बुक्स में है नहीं. ओके सो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे. देखो बेटे, जब ये लड़का, जब ये सिमरन कॉम्ब को बालों के साथ रब करता है, बालों के साथ रबिंग होती है, तो याद रखना या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं या इधर से इधर आ जाते हैं, दोनों में से एक चीज पक्की होती है अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं, बशर्ते के उनकी नेचर अलग अलग हो. बाल किसी और मटेरियल के बने हैं और कंघी किसी और मटेरियल की बनी है, तो दोनों जब रब करते हैं, लेट मी टेल यू कि बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी की तरफ चले जाते हैं. जब बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी की तरफ चले गए, अभी अभी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटे, नेगेटिव. सो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बालों के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव.
पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज्ड कॉम्ब को, चार्ज्ड कॉम्ब को हम कागज के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, तो जो कागज के जो वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के टुकड़े पड़े हैं, ये पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे ही मैं इस कॉम्ब को इनके पास लेकर आता हूं, देखो कौन से कॉम्ब को बेटे, चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को, ये कॉम्ब को मैं पास लेकर आया, तो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, पड़ोस का प्रभाव पड़ जा रहा। तो वो नेगेटिव इन कागज के टुकड़ों पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, नेगेटिव किनार नियर वाले किनारों पे पॉजिटिव, और दूर वाले जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं वो सारे नेगेटिव हैं दूर वाले। तो नेगेटिव नेगेटिव दूर होने की वजह से कम रिपल्शन होएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव पास होने की वजह से ये अट्रैक्शन ज्यादा होएगा, ये अट्रैक्शन ज्यादा होएगा, ये रिपल्शन कम होएगा, इसलिए ये कॉम्ब कागज के टुकड़ों को उठा लेगा। थोड़ी देर में क्या होएगा, कागज कॉम्ब क्या करेगा, ये कॉम्ब है और उसके साथ ये हमारे कागज के टुकड़े ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे। तो बेसिकली चार्जेस हुए, तो कौन सा फोर्स हुआ बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, समझ आया बेटे, ये थोड़ा सा आपकी बुक से थोड़ा सा 5% मैंने एडवांस कराया सिर्फ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। शाबाश, फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलुस्ट्रेटेड व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मस्कुलर, वेरी गुड वेरी गुड, मस्कुलर, डी ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स अलाउज यू टू पिक अप द ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट को कौन बताएगा, मनन, हु इज मनन, मस्कुलर, सेवा, सेकंड का मस्कुलर हो गया, दैट इज योर ए ऑप्शन। थर्ड, व्हेन ए बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस विच फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, कम्स इनटू एक्शन, पिक्चर शाबाश, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड बेटे, ये देखो डेमो देखो, मेरे पास ये ब्लॉक रखा है इसके ऊपर, मैंने इसको जरा सा पुश किया, थोड़ा सा पुश करके ये रुक जाता है, देखो फिर से देखो, तो इस ब्लॉक का लोअर वाला सरफेस और ये नीचे ग्लास स्लैब का अपर सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में रगड़ा खाते हैं, जब भी रगड़ती है दो चीजें आपस में तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल। तो थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, मूव टू द सेकंड पेज, मूव टू द सेकंड पेज, फोर्थ क्वेश्चन, द मैग्नेट इज अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द मेटेलिक टेबल, लिली कैन नॉट पिक द मेटेलिक पेन इजिली, दिस शोज व्हाट, शाबाश। देखो बेटे ऐसे है, फोर्थ क्वेश्चन में ये एक टेबल है, टेबल है और यहां पर एक पेन पड़ा है, दिस इज योर पेन, ओके, और इस टेबल के डाउन बॉटम के ऊपर यहाँ पर मैग्नेट लगा, ये ना यहाँ पर मैग्नेट है, और ये पेन जो है मेटल का, मेटल पेन, और ये मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा आया, वो बच्चा इस पेन को उठाने की कोशिश करता है, बच्चा पेन को उठाने की कोशिश करता है, इजीली उठता नहीं है उस बच्चे से, बता सकते हो क्यों नहीं उठता, क्योंकि क्योंकि, बोलो बोलो, हाँ क्योंकि वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, जैसे लोहे को ये मेटल भी कौन सा होना चाहिए बेटे, ये तीन ही मेटल्स हो सकती हैं, या तो निकल, या तो आयरन,
या तो कोबाल्ट, सिर्फ इन तीन मेटल्स को मैग्नेट पकड़ लेता है ऐसे, लोहा होगा, कोबाल्ट होगा या निकल, इन तीन मैग्नेट्स को हमारी चुंबक पकड़ लेती है बच्चे। तो इसमें मैग्नेट फोर्स इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, नो, नॉन मैग्नेट नॉन कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, मैग्नेटिक इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा, और उसके बाद सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, यस, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू एम सी क्यूज, एम सी क्यूज। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जो बताएगा, ये बच्चे का बहुत ही अच्छा नाम है फाल्गुन, हु इज फाल्गुन, कितना प्यारा नाम है बच्चे का फाल्गुन, हु इज दिस, नॉट कमिंग ऑन द फ्रंट, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेट्स कॉल मिस्टर नमन, हु इज मिस्टर नमन, ओके, नॉट कमिंग ऑन द फ्रंट, मिस्टर सार्थक, आ जाओ बेटे सार्थक, फ्रंट पे आ जाओ, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। A girl is pushing a box towards east direction. In which direction her friend push the box so that it moves faster in the same direction? Towards east. Shabash, very good. बैठो, correct. बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, अगर एक बॉक्स को ईस्ट की तरफ फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, सो मान लो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इसी बॉक्स के ऊपर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, 20 न्यूटन, तो उसकी वेलोसिटी 5 की बजाय बढ़ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और लेकिन रहेगी ईस्ट की तरफ ही, ईस्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करवाना है, इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज व्हेन बैट्समैन हिट द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को जब हिट करना है तो क्या चीज चेंज होएगी, शेप तो उसकी चेंज नहीं होती क्योंकि वो हार्ड होती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, साइज चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज हो सकती है, बी एंड डी कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि जैसे ही ये बैट्समैन उस बैट से शॉट मार देगा, किसको, बॉल को शॉट मारेगा, तो उसका स्पीड, दोनों चीजें और बॉल, ये दोनों चीजें चेंज करेंगी। कौन कौन सा बच्चा बढ़िया क्रिकेट खेलता है, रेज योर हैंड। मेरे को ऐसे प्लेयर का नाम बताओ जो विराट कोहली से भी तेज खेला करता था और अभी उसने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, बताओ, विराट कोहली से भी तेज खेलता है क्रिकेट वो रन बनाने के लिए और रिसेंटली रिटायरमेंट ली उसने, और वो हमारे देश का नहीं है, किसी और देश का है, बताओ कौन सा, कोई नहीं बता सकता बेटे, उसके नाम नाम को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, क्या नाम है फुल, डी से क्या होता है, एबी डिविलियर्स, करेक्ट करेक्ट, शाबाश, आगे चलते हैं, द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज टाइटली क्लोज्ड ड्यू टू,
बोलो कौन सा फोर्स दरवाजा फ्रिज का अच्छी तरह से बंद हो जाता है? क्यों हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, मैग्नेटिक तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो चुंबक वगैरह होता नहीं फ्रिज में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस दरवाजे को बंद करने में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। मस्कुलर फोर्स का कोई मतलब नहीं है, मस्कुलर फोर्स का कोई मतलब नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं दरवाजे को बहुत जोर से मारूं फ्रिज में, हो सकता है बंद होके वो खुल जाए, बंद होके दोबारा खुल जाए दरवाजा। मस्कुलर भी इन्वॉल्व नहीं। हाँ एक बचा, देखो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये उसका दरवाजा है। देखो ये दरवाजा है बेटे, ये रेफ्रिजरेटर। जैसे मैं इसको बंद करता हूं, ऐसे बंद करता हूं फ्रिज को, तो दरवाजा का मास हो गया M1 और ये जो फ्रिज हो गया उसका मास हो गया M2। ये दोनों पकड़ लेते हैं तो ग्रेविटेशन। तो इसमें वैसे एक और ऑप्शन भी होता तो बड़ा अच्छा होता, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एनी फिलहाल हम असिस्ट ऑप्शन। तो मूविंग टू द फोर्थ, फोर्थ हो गया हमारा बेटा, दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा बच्चा मेरे लिए पढ़ेगा फ्रंट पर आकर? आई नीड द लीडरशिप। हाँ शाबाश, आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन को रीड करो। Which of the following force is used in reducing air pollution by removing dust particles from the smoke coming out of the chimney of the factory? बताओ कौन आंसर बताएगा इसका? बी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं आपको बेटे समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनो। ये जो नीचे है ये हमारे पास, शाबाश, दिस इज योर फैक्ट्री। फैक्ट्री के बीच में यहां पर हमारा ये धुआं निकालने के लिए चिमनी होता है, चिमनी, चिमनी, ओके। और इसमें से ये कार्बन के पार्टिकल्स ऊपर को जाते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, कौन सा? क्वेश्चन एमसीक्यूज़। हाँ बोलो बोलो मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए रेफ्रिजरेटर डोर वाला। बेटे, दरवाजे के अंदर। हाँ देखो, बैठो बैठो बैठो, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। जो मॉडर्न फिजिक्स के मॉडर्न फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर है, मैं उसमें बता रहा जाऊंगा आपको। जैसे ये दरवाजा है ना, दरवाजा, लेट मी टेल यू, टेंशन, जो मॉडर्न अपने रेफ्रिजरेटर्स हैं, देखो लेट मी चेंज द कलर, आपको ब्लैक दिखता नहीं होगा। ये मॉडर्न जो दरवाजा है ना बेटे, ऐसे तो उसकी सीलिंग के अंदर यहाँ छोटे छोटे मैग्नेट लगे होते हैं, जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट है। मैं जो बात आपको बता गया वो पुराने फ्रिज की बता गया, पुराने फ्रिज की। अभी जो लेटेस्ट है वो उसमें दरवाजों में ऐसे मैग्नेट लगे होते हैं बाउंड्री पे, ऐसे अंदर वो छुपे होते हैं, हमें दिखते नहीं, उनको बटन मैग्नेट्स बोलते हैं, राइट। और जो ये बॉडी होती है रेफ्रिजरेटर की, उसमें भी मैग्नेट होते हैं यहाँ यहाँ पर। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ होता है और उधर साउथ होता है, जो हम ऐसे बंद करते हैं वो पकड़ लेते हैं। बाथरूम में हमारी कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट, सामान रखने वाली, ब्रश ब्रुश वगैरह, उसमें भी यही मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो हम अगर मॉडर्न फिजिक्स के आंसर जवाब देंगे तो बच्चा सही है बिल्कुल, तो हम उसको थर्ड का डी दे देंगे, करेक्ट। मॉडर्न फ्रिजिस, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स। एक्सक्यूज मी सर,
जी बेटे सर गुड मॉर्निंग सर नेक्स्ट सेशन बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी अप टाइम इज अप मैम। ओके मैम मैं बच्चों को सिर्फ होमवर्क दे दूं। बेटे हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? वी आर लेफ्ट विद ओनली हाउ मेनी। अच्छा ये इसमें बेटे चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये चिमनी इसके धुएं के पार्टिकल्स को पकड़ लेती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो फोर क्वेश्चंस हमने कर लिए, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटे। ठीक है करके आओगे? कितने बच्चे होमवर्क करके आएंगे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। 5 क्वेश्चन, शाबाश। सो मैम कह रहे हैं आपका नेक्स्ट पीरियड, सो आई एम वाइंडिंग अप। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर अटेंटिवली। Gracias.